मुकुल राय ने मुद्दा उठाया था, विश्व बंगला ममता बनर्जी के भतीजे विश्व बनर्जी के नाम पे रजिस्टर्ड है, एक विवाद बना हुआ है। देखिए, ये जो मुकुल राय ने कहा है वो 100% सच है, क्योंकि विश्व बांग्ला जो है उस लोगों को लेकर बहुत सारे स्टोरीज हैं जो हमारे चीफ मिनिस्टर और स्टेट गवर्नमेंट जो है इसको ज़रा घोटाला बना के रख दिया है। दिस इज़ बेसिकली बिजनेस प्रपोजल, ये सरकार के नाम से एक बेसरकारी सिस्टम की तरह बना हुआ है एक मनी मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। इसका फंडिंग, इसका बेनिफिट, इसका प्रॉफिट्स जो है वो पूरा सरकार का नहीं जाता। सीधी सीधी बात बताते, विश्व बांग्ला में जो सामान बनाया जाता है वो लोगों तो बहुत ही शर्मनाक चीज़ है, और इतना भी शर्मनाक चीज़ है जो लोग वहाँ पे सामान बेचते हैं, जैसे गांव के कारीगर हैं जो कपड़े पे ताती लोग हैं जो कपड़े सिलते हैं, वो अगर दो पैसा का कोई सामान विश्व बांग्ला का बेचता है, विश्व बांग्ला उसको दो पैसे के खरीद के वो बाहर में 20,000 में बेचता है। इतना प्रॉफिट रखता है विश्व बांग्ला, और वो सारी वही कीमती साड़ी। मुझे यही सवाल है, सरकारी लोग बोल रहे हैं कि सरकार के हैं, तो वही साड़ी सरकारी साड़ी उतने ही कीमती से एक्सचेकर के पैसा से खत्म करके वही साड़ी गिफ्ट किया जाता है सरकारी अधिकारी को भी। अलग अलग ओकेशन में विश्व बांग्ला के सामान गिफ्ट किया जाता है। अच्छा, तो दूध का वो पानी के अंदर घुसा गुला गुला के लोगों को खिला जा रहे हो, और वो जो कारीगर है वो वैसे ही गरीब के गरीब रह रहे हैं, उसमें दलाली का पैसा चक्र चल रहा है वहां पे। और ये लोगों के बारे में जब सफाई देने लगे तो सारे सेक्रेटरिएट आके अपना बयान देने लग गए। अरे, ये अभिषेक बनर्जी को बयान देना था, अभिषेक बनर्जी को जवाब देना है इस बारे में, वो लोग क्या बोल रहे हैं, सरकारी लोग ऑफिसर्स कैसे उछल कूद रहे हैं, अभिषेक बनर्जी को जवाब देने दो। ये पैक डेटेड में जो पेपर बन रहे हैं भाई साहब, ये आज के दिन में ये सब नहीं चलता। बहुत सारे साइंटिफिक रिसर्च में आ चुका है कौन का कौन सा पेपर का कौन से डेट में बन चुका है, किस तरह से बन चुका है, वो पता लगाने में 5 मिनट नहीं लगता, पकड़े जाएंगे फिर से, घोटाला बढ़ता जाएगा।